आ रहा है। एक और जानते हो, मे के साथ जब सब्जेक्ट प्लस भी वन लिखते हो, देखते हो आप ब्लेसिंग वाला सेंटेंस जिसको आप ऑप्टेटिव बोलते हो। हाँ चलो कोई अंतर नहीं है, देखना कैसे आ गया समझाने में निखिल। मैं यू लिव लॉन्ग नहीं बोलते हो, आशीर्वाद देने वाला आशीर्वाद देते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उसमें सिर्फ मैं लगता है, उसमें मैं लगता है। यस आसिफा, थैंक यू बॉय, मेरे को आशीर्वाद दे रही है, चले अच्छा है। ठीक है, अब चलो ये पार्ट को भी दिमाग में रखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मॉडल कंटिन्यू है। चलो ठीक है प्रवीण, मैं ले लिया। हाँ ये सब स्ट्रक्चरल कंपल्शन है। भाई या तो स्लैश दिया हुआ है ना, मैं लगा लो या माइट लगा लो या वो लगा लो। सागर मैं सीधे बोलूं, ऑप्टेटिव मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देने वाला सेंटेंसेस। सागर मैं बोलूं, यू वुड रादर रिवाइज योर लेसन्स कंटिन्यूअसली। यू वुड रादर, भानु अच्छा है, रिवाइज योर लेसन्स कंटिन्यूअसली। अभी अभी देखो आज खत्म करना है। मे योर स्टूडेंट्स गेट सक्सेस, हाँ माई स्टूडेंट्स। अब आप देखो अभी आज खत्म करना है मॉडल, देखो अभी कंसेप्ट बन रहा है ना, अभी बात में उलझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, अभी छूट जाएगा। अब एक पार्ट, जैसे मैं एक एक खाली एग्जाम्पल पूछता हूं, जरा देखना। छोड़ दो, नहीं बन रहा है ये तुम लोग आराम से गेस कर लोगे, यू पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ। हाँ देखो अभी एक एक और पार्ट, देखो इसका क्या मीनिंग। नहीं प्रवीण वो नहीं भी पता होगा ना, तो ऐसा ऑप्शन बना था ना कि तुम लोग गेस कर लेते, इसलिए मैं नहीं दिया गेस करने का। नहीं वी वुड प्ले फॉर लॉन्ग इन आर चाइल्डहुड। अभी बताना प्रवीण, अभी अभी आ रहा है, जस्ट आ रहा है अभी। देखो तो उड का कुछ टिपिकल यूज, आप उड प्लस भी वन को यूज टू प्लस भी वन में आराम से इस्तेमाल करते, उसके जगह पे नहीं, यूज टू खेला करते थे हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। अगर मैं इसके जगह पे अगर मैं लिखता ना वी यूज टू प्ले, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता, बहुत कंफर्टेबल लगता, क्योंकि वो पढ़ा हुआ था। उसका एक और इक्विवेलेंट पार्ट होता है कि आप उसको पास्ट हैबिचुअल में वुड प्लस वी वन लगा दो, वी यूज टू प्ले वी वुड प्ले, दोनों लगा सकते हो आप। एक दूसरा,
आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ही वुड नॉट लिसन। यह वुड का दूसरा पार्ट होता है भावेश, होता है बट देखो इस वुड का इस्तेमाल। ये वुड क्या है कि मतलब पास्ट में कोई काम है करने का और उसने करने से मना कर, हमेशा निगेटिव सेंस में। आई ट्राइड, जैसे से मैं बोलूं नहीं प्रणव कोई बेटर नहीं होगा, कोई भी दोनों नहीं देगा, कभी नहीं देगा कि दो तीन ऑप्शन दे। जैसे मैं तुमको बोलूं आई ट्राइड टू री स्टार्ट माई कार बट इट वुड नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो जो डिड नॉट लगाते हो ना, इट डिड नॉट स्टार्ट, ये नहीं हुआ, उसके जगह पे आप ही वुड नॉट लिसन, मतलब उस वो नहीं सुना मेरी बात को। सो वुड वुड प्लस नॉट को वो पास्ट में, पास्ट के लिए, लेकिन मना करने के लिए लिखते हैं मना करना। कार ने मना कर दिया स्टार्ट होने से, वो मेरी बात को नहीं सुना। ये उड का एक टिपिकल उड, यहां पे उड का वो यूज कोई यूज नहीं है। तीसरा एज लक वुड हैव इट, एक पूरा सेंटेंस है इसमें वुड ही लगता है, एज लक वुड हैव इट। जैसे इसको हम बोलते हैं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, दोनों में से कोई भी सेंटेंस में पता चलेगा। कभी कभी क्या करता है कि यहां पे लक के पहले गुड या बैड लगा देता है, गुड या बैड लगा देता है और तब लिखता है। नहीं नहीं इंप्रूवमेंट में डिड नॉट क्या होगा, अगर ये लिखा हुआ है ना तो मेरे को लगता है कि अगर आपको ये पता नहीं हो तो आप यहां काट के वुड नॉट के जगह पे डिड नॉट कर दोगे। अजीत मैं तुम्हारे क्वेश्चन नहीं समझा, क्लास चल रहा अजीत, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है? आज मॉडल खत्म होगा। हाँ चंदन लिसन के साथ लगता है, ही वुड नॉट लिसन, वो नहीं सुनता है मेरी बात को। देखो एज लक वुड हैव इट द ड्राइवर वॉज अनहर्ड इन एक्सीडेंट, यहां पर मैं इसको जो बता रहा हूं ना इस मॉडल्स के लिए बता रहा हूं, वुड के इस्तेमाल के लिए। गेटिंग, सौभाग्यवश ड्राइवर एक्सीडेंट में उसको चोट नहीं लगी। चौथा, एक तो उड दैट होता है ना जिसका मतलब आई विश होता है, हम लोग सब्जंक्टिव में पढ़े थे। जब कभी कभी क्या करता है ना कि सौभाग्यवश बोलना हो, सौभाग्यवश बोलना हो तो एज गुड लक वुड हैव इट। थ्री में है क्या राजमनीष? यहां पे तो देखो ये एक सेंटेंस है, रूल नहीं है ये।
एज लक वुड हैव इट, या कभी कभी उसको उसके पहले कहता है एज गुड लक वुड हैव इट या एज बड लक बैड लक वुड हैव इट। ये गुड लक लिखता है सौभाग्यवश, बैड लक लिखता है दुर्भाग्यवश। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप निकाल लो सेंटेंस के मीनिंग से कि सौभाग्यवश है या दुर्भाग्यवश है। जैसे देखो इस सेंटेंस में, एज लक वुड हैव इट द ड्राइवर वॉज अनहर्ट इन द एक्सीडेंट, ड्राइवर को चोट नहीं लगी। आप फ्रेज ही बोल सकते हो, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, सेंटेंस है पूरा, ड्राइवर को चोट नहीं लगी। हाँ याद करना होगा मनीष, आप प्रवीण याद ही करना होगा, कोई उपाय नहीं है इसको। ये तो टेक्निकल पार्ट है। वुड दैट आई विश मैं बोलूं, काश आई विश यू केम अर्ली, काश तुम जल्दी आते। इसके जगह पर आराम से लिखो वुड दैट, आराम से लिखो वुड दैट यू केम अर्ली। सब्जंक्टिव, एक तो आप, एक तो सब कोई जानता है, वुड लाइक प्लस टू बी वन, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो, उसमें भी वुड ही लगाते हैं, शुड लाइक नहीं लिखते कभी। एक छूट गया, डन ना। अभी दो रूल और बाकी है, एक 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 छोटा वाला पार्ट छूट गया था। ना पहले ऑप्शन बनाता हूं, लेकिन ये सुना हुआ होगा। अरविंद अभी 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 नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं मेरे को अभी इसको पूरा खत्म करने का है। हाँ वो गलती से लिखा जा रहा है, यू विल पास एग्जामिनेशन कम व्हाट डैश, ये पढ़ा हुआ है, सचित मिल गया तुमको। हाँ आप लोग सबको जानते हो, सबको जानते हो, एवरीबॉडी। हाँ अभी तक किसी ने गलत नहीं दिया है, किसी ने गलत नहीं दिया है। हाँ एकदम डैम श्योर, डैम श्योर। हाँ रितेश, डैम का स्पेलिंग डी ए एम एन, इसमें एक फ्रेज बनता है ना, कम व्हाट मे, चाहे जो हो, इसमें मे लगता है। ये सर सब सही है, सही है, सही है, सही है। अनुज गड़बड़ हो गया, कम व्हाट कुड नहीं, कम व्हाट मे होता है, चाहे जो हो। अब इसके बाद देखो, अभी जैसे मॉडल का कहां रूल है, ढेर सारा रूल थोड़े ही है। निलेश, अच्छा एक एक दो चीज हैं, राम में कम, अगर जरा सोचना, सोचना
कि अगर इसको मेरे को इंटरोगेटिव बनाना हो। हाँ राम कुमार सही है सही है सही है, तुम्हारा एक और चीज छूट गया है। सही है, अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे। और अगर मैं लिखूं, ध्यान देना, कि मे राम कम और मे से मैं सेंटेंस शुरू कर रहा हूं और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो एक बात देखो कि हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर लिखा था कि मे से जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो आप किसे रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन मांगते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन, जबकि मैं यहां पे राम के आने की संभावना बता जाहिर कर रहा हूं। और अभी सुन के इसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसे परमिशन मांग रहा हूं, कि नहीं परमिशन मांग रहा हूं कि क्या राम आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मे को अगर इंटरोगेटिव में बनाना हो तो मे मत लगाना वहां पे, वो तुमको पर आप जानने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नीलेश ऐसा हो सकता है कि तुमको कंफ्यूजन रहे, अभी तुम्हारे को अपने आप को बांधना है। और अभी आपके पास मे अगर यहां लगा है तो इसको हटा के कुछ ऐसा लगाओ जिससे कोई खास टेक्निकल रूल नहीं हो, और वो यहां पे आप कुड नहीं लगा सकते, कुड लगाने पे भी रिक्वेस्ट हो जाएगा, माइट लगाने पे भी रिक्वेस्ट हो जाएगा, शुड लगा दो, शुड लगा दो, जो लगाना लगाओ, लेकिन मे लगाओगे ना तो, और इंटरोगेटिव में तो वो फिर परमिशन हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, राइट और रॉन्ग, आप राजमनीष ही नीड्स ना, नीड कैसे है? अंजलि ही नीड्स, नीड नहीं, आप लोग एस लगाना छोड़ देते हो। मे का इंट्रोगेटिव कर दो, कुड लगा दो, अमित, नहीं बॉस, देखना ये सेंटेंस एकदम सही है। दो अटपटा वर्ड है, एक नीड और एक डेयर, मैं डेयर को बाद में देखता हूं। तुमने कभी सुना होगा, सुनोगे, सुना नहीं होगा, देखा होगा तुमने, नीड नॉट। एक बार बताओ, मेरा अपना ओपिनियन, तुमने थियोरी में पढ़ा है कि नीड मॉडल होता है, डेयर मॉडल होता है, तो मॉडल जब होता है तो मैंने, और ये स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है कि नीड के साथ नॉट लग रहा है सीधे, और ये अगर लगा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई चंदन, ध्यान सुनना, नीड के साथ अगर नॉट सुनते हो इसका मतलब कि नीड ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि तुमने आज तक कभी गो नॉट नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, नीड के साथ तुम सुने हो, इसका मतलब कि अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो नीड ऑक्सिलरी वर्ब भी है। और लफड़ा यह है कि नीड को तुम अपने तरीके से दो तरीके से यूज कर सकते हो, एज अ मॉडल, और मॉडल में तुम अपने दिमाग में रखना, जैसे मे होता है, जैसे कुड होता है, वैसे ही यह भी है, और एक नॉर्मल वर्ब जैसे होता है। मैं अगर नॉर्मल वर्ब की तरह लिखूं तो लिखना पड़ेगा ही नीड्स टू गो, ये सही होगा क्योंकि मेन वर्ब है ना, इसको इंटरोगेटिव बनाना होगा,
तो डज ही नीड टू गो या ही डज नॉट नीड टू गो। ये नॉर्मल वर्ब के तौर पे मैं यूज किया, मैं अब इसको लिए यूज कर रहा हूं ही नीड गो। भाई मॉडल लगेगा राम में गो, वैसे ही नीड गो मैं यूज किया जो मॉडल। अब मेरे को इसको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो मैं मॉडल को बाहर निकालूंगा। मेरे को निगेटिव बनाना होगा इसको, तुम कैन की तरह ट्रीट करो, शुड की तरह ट्रीट करो, ट्रीट करो उसको एज ए मॉडल। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे बना रहे हो। ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास, तुमको जो स्ट्रक्चर मन करे लगाओ, एज ए नॉर्मल वर्ब यूज करो, एज ए मॉडल वर्ब यूज करो, जैसे यूज करना है यूज करो। मैं नीड के साथ लिया है और सेंटेंस एक ही है, जो तुमको मतलब समझ में आ, उसके जाने की जरूरत है, सबका मतलब यही है, दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग वही है आसिफा, कोई अंतर नहीं है, जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, बस अंतर यह है कि एक में वो मॉडल के तरीके से यूज हुआ है और एक में वो जनरल तरीके से यूज हुआ है। और अगर ये यूज होता है तो ही मॉडल के तरीके से नीड नॉट हैव डन दिस। और याद रखिएगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शुड की तरह। रामकुमार पास तो है ही ना, वो यूज्ड उड का इक्विवेलेंट होता, उड इन पास्ट हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल। ही नीड नॉट हैव डन दिस, दैट इज शुड नॉट हैव डन दिस, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये याद रखने की चीज है, नीड को शुड की तरह यूज करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब जरूरत के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश, ऐसा कहीं नहीं है कि कैन नॉट अलग अलग गलत होगा, एक साथ रख के सही होगा। मेरा अपना ओपिनियन एकदम ठीक उल्टा है इससे। मेरा ओपिनियन है कि एक साथ उसको कैन नॉट, सुनो दिन लिस्ट, मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसे एक साथ कैसे रख सकते हो दो बार, आप इसको पढ़ोगे क्या? अगर एक साथ रखना है तो ऐसे रखो, और नहीं तो अगर नॉट लगाना है तो कैन और नॉट अलग अलग लिखो। मेरा अपना ओपिनियन, और इसके बारे में कहीं किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। हमारे यहां करते हैं हिंदी बेल्ट में बड़े बड़े ग्रामेरियंस। हाँ डेयर, डेयर में लफड़ा नहीं है, डेयर में लफड़ा नहीं है। डेयर में एज ए नॉर्मल वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है चैलेंज करना, चुनौती देना। चुनौती देना। और अगर मॉडल वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है साहस करना। सुने नहीं हो? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। साहस करने वाले मीनिंग में आएगा तो आपका मॉडल हो जाएगा, और चैलेंज करने वाले मीनिंग में अगर इसको लिखोगे, देखना जरा, आई डेयर नॉट टू गो, तो जरा ध्यान देना तो कि तुमने डेयर को यहां पे इस स्ट्रक्चर में मॉडल के तरीके से यूज किया है या नॉर्मल वर्ब के तरीके से। प्रवीण ध्यान दो तो, नॉर्मल या मॉडल, डायरेक्ट नॉट लगा रहे हो तो, क्योंकि नॉर्मल वर्ब होगा तो डज नॉट डेयर हो जाता, डायरेक्ट डेयर नॉट लिख रहे हो तो मॉडल ना, मॉडल हो जाएगा। और अगर मॉडल है तो यहां टू कैसे?
वो स्पोकन में यूज होता है, हिमांशु स्पोकन में यूज होता है, इसीलिए छुपाया हुआ है। तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया? हाउ डेयर यू डू दिस? बी नीट कहां है? अमित बी नीट क्या है? बी नीट तो मेरे को सही कभी नहीं लग रहा है। आई मे नॉट टू गो। राजमनीष यहां टू हटा दे रहे हो, यहां पे टू हटा दिया तो पूछ रहे हो क्यों हट गया? भाई मॉडल है, मॉडल मॉडल के बाद टू भी वन नहीं आता, भी वन आता है। अब आपका मेन पार्ट कंडीशनल। कंडीशनल देखो, कंडीशनल हम लोगों ने ऑलरेडी एक पढ़ा हुआ है। देखो मैंने नॉर्मल बता दिया, मॉडल बता दिया, आई डेयर्स कैसे हो सकता है? अरविंद एस कहां से लगा रहे हो? अमित तुम्हारा सेंटेंस कहां मिला? बी नीड कहां मिला है? वी है, वी वी होगा कहीं पे, बी नीड कैसे हो सकता है? कंडीशनल सेंटेंस आपको एक फ्यूचर में मिला था। नीलेश ये फालतू का क्वेश्चन है, साथ में अलग क्या रूल है भाई? हाँ कंडीशनल जो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर का मेन रूल होता है वो ये कि ये आपने फ्यूचर में पढ़ा था, जब इफ के बाद विल शैल नहीं लगता है। रितेश अभी रुको, मैंने लास्ट से कहा था कि फ्रॉम दिस क्लास वी विल कंटिन्यू टिल 2 आवर्स, अभी हमारे पास 15 मिनट बचा हुआ है। लेट मी फिनिश दैट फर्स्ट। अच्छा नीट अगर मॉडल है तो क्या दिक्कत है? अमित नीट अगर मॉडल है तो ही में गो सही है कि नहीं? ही में गो सही है तो ही नीड गो क्यों नहीं? मैंने जब लिखा कि उसको मॉडल के तरीके से यूज कर सकते हो तो तुमने ये मैंने यूज किया, समझ में आना कहां है? नीड को हटा के कुड लगा दो तो ही कुड गो, ही मे गो, ही शुड गो। देखो क्वेश्चन है इसमें बनाना है, पढ़ने में बड़ा लग रहा होगा। हाँ इसमें अब संदीप एक बार ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जस्ट वेट कर लो 5 मिनट्स, अगर तुम्हारे तरफ से डिटरमिनेशन नहीं आया तो आई टेक 5 मिनट्स। देखो कंडीशनल का एक्चुअली दो स्ट्रक्चर होता है, इफ सब्जेक्ट भी टू, और चूंकि एक कंजंक्शन लगा है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस भी वन, उसका एक बार, और सॉरी मॉडल का मतलब पास्ट मॉडल। एक पार्ट ये है, दूसरा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड भी थ्री, और इसी के साथ का जो आधा पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल हैव प्लस वी थ्री। अब क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको कैसे देता है, जैसे देखो इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड पास द एग्जाम। सुनना भी नो क्वेश्चन। पास्ट मॉडल का मतलब मे के जगह पे माइट, कैन के जगह पे कुड, विल के जगह पे वुड। यहां पे मे यूज नहीं होगा, माइट यूज होगा, कुड यूज होगा, बॉटल का पास्ट फॉर्म वाला वर्ब। अब देखो इसमें इफ यू हैड हेल्प्ड मी, आधा सेंटेंस यहां से, आई वुड पास द एग्जामिनेशन, आधा सेंटेंस यहां से, वुड प्लस भी वन।
अब आपके पास दोनों है ना, दोनों पार्ट में सही कर सकते हो ना, कि आप इसको उठा के यहां लिख दो, इफ यू हेल्प्ड मी, मैं ये हटा देता हूं, ये संडे सही हो जाएगा, या मैं एक काम करता हूं, वुड हैव पास्ट लिखूं, वुड हैव प्लस वी थ्री पास्ट। कभी कभी क्या कर, और कभी कभी की नहीं, अधिकतर टाइम में क्या करता है वो, अरे वो दूसरा था भाई, पास्ट में अच्छा संदीप एक मिनट रुको, तुम थोड़ा सा इस्तेमाल करो, पास्ट में आप यहां पे प्रेजेंट का मॉडल लगाओगे क्या, पास्ट के संडेस में प्रेजेंट का मॉडल लगाओगे? मैंने कहा था ना कि मेट मे की जगह पे माइट हो जाएगा, सेल की जगह पे शुड हो जाएगा, वही बात तो मैं लिख रहा हूं, अब तुम उसको रूल में कहां बताए हो, वो तो मैंने कहा था ना कि जब पास्ट का पहला सेंटेंस हो तो मे का माइट बन जाता है, तो वही तो मैंने लिखा है भाई। ओके, क्यों नहीं होता है, रुक जाओ अभी, आधा यहां से और आधा यहां से, दोनों में से कहीं भी चेंज कर सकते हो। अब होता क्या है कि जब वो ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब आप बिना किसी टाइम का ध्यान रखे एक इमेजिनेशन कर रहे हो जिसमें कोई टाइमिंग नहीं है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आप टाइमिंग दिमाग में रख रहे हो, आप खाली इमेजिनेशन कर रहे हो। अभी संदीप से क्यों, देखो देखो रुको, अभी आदित्य मैं बता रहा हूं, अभी ये इमेजिनेशन जिसका कोई टाइमिंग नहीं होता, अगर मेरे पास इतना पैसा होता, टाइमिंग नहीं है, जबकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनेशन है रिगार्डिंग पास्ट का, पास्ट में कोई घटना घटी है और मैं उसका ऑपोजिट अपने दिमाग में ला रहा हूं कि अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता की होती, मैंने उसकी सहायता की होती, वो मेरे पास नहीं आया, ये पास्ट का है, ये पास्ट का नहीं है। इसके सेंटेंसेस बे सिर पैर के काल्पनिक वाले होते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं देश का राष्ट्रपति होता, इस टाइप का, जबकि यहां पे किसी घटना के जो घटित हुई है उसमें उसका ठीक उल्टा मैं सोच रहा हूं। याद है निगेटिव पॉसिबिलिटी यहां पे है, निगेटिव इमेजिनेशन, निगेटिव इमेजिनेशन रिगार्डिंग पास्ट, जो पास्ट में हुआ है उसका मैं उल्टा सोच रहा हूं। अब देखो जरा संडेस, अगर तुम मेरी सहायता किए होते तो मैं पास कर जाता, क्या ये काल्पनिक सेंटेंस है? मैं फेल कर गया हूं तब ना मैं बोल रहा हूं, मैं राजा होता, प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, वैसा सेंटेंस तो नहीं बोल रहा हूं। अब एक बात पक्का है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आपका ये चेंज होगा और आपका ये चेंज होके यहां चला आएगा, वुड हैव पास्ट। अगर ये आधा सेंटेंस यहां से दे और आधा यहां से दे, तो आप ये, आपको ये जज करना होगा कि ये प्योर कल्पना है बिना टाइम का या निगेटिव, निगेटिव है, सॉरी, हाँ मैं पास्ट के सेंटेंस का कोई निगेटिव सिचुएशन है। इफ आई बिकेम द पीएम, आई वुड हैव यूज्ड सेवन जी नेटवर्क, अब बात सोचना, पीएम है कोई कुछ भी कर सकते हैं, आप सोचो काल्पनिक सेंटेंस है ना, काल्पनिक है, आराम से मिति इस्तेमाल करो ना,
मैं कहां बोल रहा हूं, शूट करो, उड करो, मे करो, माइट करो, सॉरी मे मत करो, माइट करो, वो जो लगाना है लगाओ ना। क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है। मैंने आधा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वी टू लिखा, आधा में मैंने उड प्लस वी वन लिख दिया। अब ये एक साथ, बस तुमको करना क्या है ना, करना क्या है कि इसको डिसाइड करके, ये तब करना है, ध्यान रखना, ये तब करना है जब आधा यहां का आधा यहां का, चाहे आधा यहां का दे दो, तब करना है, तब ये डिसाइड करना है। अगर मान लो भाई इसमें भी कंफ्यूजन है तुम लोगों को, क्या हैड बिकम, अच्छा अभी मैंने बोला ना निखिल कि ये काल्पनिक सेंटेंस है या पास्ट का है, मैं भूतकाल में प्रधानमंत्री होता, क्या मैं टाइमिंग बता रहा हूं, जब यहां पे लिख दिया गया कि ये कब इस्तेमाल होगा, नहीं प्रवीण नहीं आएगा, अभी रुको अभी थोड़ा सा और बाकी है इसमें, निखिल समझे, इसमें अपने मन से नहीं कि हम इसको रखते हैं इसको हटा देते हैं, हेड बिकम कर देते हैं, आधा आधा दिया। तो मैंने आपको कहा ना कि चेक करना पड़ेगा कि ये पास्ट की बात कर रहा हूं या मैं सिंपली खोपड़ी चला रहा हूं काल्पनिक सेंटेंसेस। अब जरा अगर कभी ऐसा आए, एक चीज देखो, इफ यू वुड हैव कम अर्ली वी वुड गो फॉर अ मूवी। देखो जरा इस सेंटेंस में, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि एरर कहां है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एरर कहां है, आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, इफ के बाद वाले सेंटेंस में विल शैल मॉडल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रशांत यहां पे कंसीडर करो, ये तो नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, एरर तो पक्का है कि यहां पे है, क्योंकि यहां पे या तो भीटू लगेगा तो हेड भीतरी लगेगा। अब यहां पे तुमको एक बार सुनना, एक मिनट सुनो, यहां पे तुमको कुछ नहीं करना है, दिमाग से नहीं चलाना है कि क्या होगा, बस ये पार्ट है कि वो यहां बनेगा कि यहां बनेगा, ये नहीं सोचना है, बस सीधा ये देखो ये कहां का स्ट्रक्चर है, ये कहां का स्ट्रक्चर है, यहां का ना। अब यहां पे तुम हेड कम भी लिख दोगे तो नेक्स्ट गलती होने वाली है, हेड कम भी लिखोगे तो नेक्स्ट गलती होने वाली है तुम्हारी, और वो ये होगा कि तुमको आधा सेंटेंस हेड कम से और आधा सेंटेंस उड भीवन से बना रहे हो। जब ये इफ के बाद ही उड लगा देना तो ये चीजें नहीं सोचनी है, ये कब सोचनी है ध्यान रखिएगा, ये कब सोचनी है, जब आधा इसका और आधा इसका दे, ऐसा वाला। जब ये नहीं है, जब यहीं पे लगा दिया है तो कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो कि काल्पनिक है क्या है, बस इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको सेट करो, और यहां पे वुड हैव कम हटा के सीधा केम लिखना होगा, केम लिखना होगा सीधा, इफ यू केम, बस खाली स्ट्रक्चर को एक साथ कर लीजिए। एक और संडे, एक और एक छोटी सी थोड़ा सा चेंज कि इस सेंटेंस में अगर कभी वाज लगाना पड़े तो वाज नहीं लगता है, हमेशा वेयर लगता है। और एक और चीज कि इस सेंटेंस को लिखने का दो तरीका है, या तो इफ सब्जेक्ट हैड वी थ्री लिखो या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री लिखो। यहां पे हैड इफ का काम करता है। अगर मैं लिखूं इफ यू हैड कम अर्ली, इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूं हैड यू कम अर्ली,
दोनों सेम चीज है।